कौसा चरनीपाड़ा के विकास की हालत हो गई है बदतर। किस तरीके से गटर का पानी रोड पर आ रहा है और लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल सिंह मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा कौसा ये विकास का गढ़ है, ये यहाँ के नेताओं का रहता है जुमला कि मुमरा कौसा में बहुत विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है हमने तो काफ़ी विकास दिखाया है हमारे चैनल के जरिए, लेकिन हम आपको आज एक और विकास दिखाएंगे। बीके टावर जो चरनीपाड़ा रोड के स्थित है, वहाँ पर जो गटर का पानी है वो रोड पर आ गया, और जो कचरा यानी जो गार्बेज होता है, जो वेस्टेज कचरा है, उसको भी ले जा कर के उस रोड पर रख दिया गया है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तस्वीरें एक कंप्लेनर ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, लेकिन हमने सोचा इसे हम अपने चैनल द्वारा भी बताना चाहिए नेताओं को कि जो विकास के नारे लगाते कि कौसा रशीद कंपाउंड यानी हीरा नंदानी परिसर में कितना हीरा नंदानी है, ये हम आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं। ये जो हीरा नंदानी का परिसर है, ये परिसर आप देखेंगे किस तरीके से गंदगी में डूबा हुआ है, और इस हालत में भी कैसे ये हीरा नंदानी कह सकते हैं, आप खुद ही फैसला करिए। और ये भी हम आपको बताते चले, उधर बीके टावर से लगकर थोड़ा आगे जाएंगे तो एक नाली भी गुजरता है, उस नाली का हालत इतना बेकार है कि हमने तो विकास की गंगा में बताई थी कि किस तरीके से उस गंगा को बहाया जाता है, जब पूरा गटर में कचरा ही कचरा जम जाता है उसके कारण पानी जो है वो रुक जाता है और वो पानी रोड पर आ जाता है। रोड पर वो गटर का पानी आने के बाद गड्ढों में चले जाता है, और वो गड्ढों के ज़रिए किस तरीके से हालात होते हैं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये हालात इतने बुरे हैं, ना TMC ध्यान देते, ना नगर सेवक इस पर ध्यान देता है, और जुमले तो ऐसे होते हैं कि ये हीरा नंदानी परिसर है। ये चरनीपाड़ा रोड का हाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात है, फोटो देखिए आप, और कितना विकास पुरुष दावे कर कर के खोखला साबित कर रहे हैं अपने आप को। हमने मुमरा देवी का रोड आपको दिखाया, विकास किस तरीके से मुमरा देवी पर हुआ, और हम आपको पूरा मुमरा का विकास दिखाते रहते, लेकिन ये सारे विकास बहुत ही अजीब